माधारी विधायक रामनरेश रावत जी, हमारे पूर्व विधायक परमादारी राधाराम त्यागी जी, हमारे विद्यासागर अवस्थी जी, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा सुनील मौर्या जी, मंडल अध्यक्ष महाराजगंज सूर्य प्रकाश वर्मा जी, लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव, हमारे जो रामली के अधिवक्ता थे पूर्व में शासन द्वारा नामित जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सुधा अवस्थी जी, हमारे सभासद सम्मानित सतीश जी, राम कुमार जी, विजय दीवान जी, रवितोष जी, श्यामलाल साहू जी, राम कुमार यादव जी, अंकुर भैंस जी, विनीत जी, नूर सभासद, सभी सम्मानित सभासद, हमारे पत्रकार साथी अमित त्रिपाठी की पूरी टीम को, भाई पीपी यादव जी, सुशील पांडे जी, आनंद सिंह जी, पवन जी, प्रेम जायसवाल जी, मुकेश श्रीवास्तव प्रेस के अध्यक्ष की पूरी टीम, विजय विमान जी, शिवाकांत जी, जायसवाल जी, सभी लोगों को, क्योंकि माननीय विधायक जी को बहुत जल्दी जाना है तो सभी लोगों को, हर एक को, और गलती से कोई नाम छूट गया तो उसके लिए हमारे ग्राम प्रधान पंकज जी बल्लभ के हैं, केशव चौधरी ग्राम प्रधान, राम प्रकाश सलेटू से पवन साहू जी, और इस कार्यक्रम को लगातार 37 सालों से जो हम लोगों के साथ टीम में है, पुन्नी जी, त्रिवेणी लाल जी, आज विजय जी नहीं है लेकिन उनके छोटे बेटे हैं जो उस काम को संभाल रहे हैं, राम कुमार मुंशी जी तथा शारदा पांडे जी, सभी लोगों को, प्रत्येक को, और हमारे कीर्तनकार जो आई है, क्रांति माला जी, हम बहुत पहले से ही जब हम 37 साल से लगातार कीर्तन, जब हमारे पिताजी के संरक्षण में हम लोग 17 साल के थे और आज 37 साल हो गए, लगातार अनुभव के कीर्तन चल रहा है, क्रांति माला जी बहुत पहले से आती है और सतीराज कमल भी आते हैं, तो हम लोगों का यही भावना रहती है कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो, और अनवरत 37 सालों से हमारे जयकरण मामा जी जो कि संरक्षक हैं, सभी लोगों का इसमें योगदान रहता है, और 15 सालों से नगर पंचायत में 2006 से लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से हम जीते चले आ रहे हैं, और अभी तक हमने सोचा कि जनता का जितना ज्यादा से ज्यादा काम हुआ वो करवाते चले आ रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आवास 500 लोगों को मिल चुके हैं और बाकी 500 की जांच चल रही है, बहुत ही जल्दी वो भी एक आध महीने के अंदर पारित हो जाएंगे, और पिछले साल माननीय विधायक जी ने कहा था माँ जसवंती देवी में एक बारात घर का निर्माण हम करेंगे, तो हमने माननीय विधायक जी से पुनः आग्रह करते हैं, विधायक जी बारात घर यहाँ कस्बे के लिए बहुत जरूरी है, अगर हो सके तो बारात घर वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करवा देते तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती, अभी आपके विधायक जी बताएंगे। इसके अलावा ज्यादा बातें नहीं कहते हुए माँ का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है और माँ के आशीर्वाद से हम लगातार चलते चले आ रहे हैं, दुर्भाग्यवश अभी एक महीने पहले 11 तारीख को हमारे पिताजी का निधन हो गया, वो लगभग 87 वर्ष के थे लेकिन लगता नहीं था कि उन्होंने 87 वर्ष पूरे किए, हम लोगों को कुछ पता नहीं था लेकिन उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े,
और आज उनकी कमी खल रही है तो निश्चित रूप से वो कमी पूरी नहीं हो सकती है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक बार फिर मां के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। और मैं एक बार माननीय जो इस क्षेत्र के पूर्व विधायक है आदरणीय त्यागी जी, जल्दी से 2 मिनट, क्योंकि माननीय विधायक जी को जाना, 2 मिनट के अंदर थोड़ा स्पीक अपनी बात खत्म करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंचाधीन हमारे सभी साथीगण, और आज जिनकी बारी आप सुन रहे हैं, अच्छा नशा स्वागत कर रहे हैं माता जी की कृपा पर, इन दोनों कलाकारों को और सामने उपस्थित आए हुए अपने सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे अवसर पर आप सब उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हम पूरे तरीके से हम सब वाकिफ हैं। आप सब दोनों कलाकारों के मुखार बिंदों से माता जी की कृपा का ऐसा मादन करना चाहते हैं। हम से कितना कहना चाहते हैं कि माननीय प्रभात साहू जी, अभी बताया जब 17 साल की उम्र थी तब से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर माता जी की कृपा पात्र के सहभागी बनते हैं। ऐसे अवसर का पूरा सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय माता। इसी श्रृंखला में आज भी इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्रभु सम्मानी विधायक जी को मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ। दो पंक्तियों के साथ 38वां समारोह हो रहा है, 38वां समारोह हो रहा, सौभाग्यशाली है। लगता है हम सभी ने साक्षात माँ की कृपा पा ली है, ऐसा ही आशीर्वाद बरसाते रहना मेरी जसवंतरी माँ, ऐसा ही आशीर्वाद बरसाते रहना मेरी जसवंतरी माँ, क्योंकि आपकी धारा भक्तों से नहीं खाली है। एक बार मैं सुना है माँ को प्रणाम करते हुए सीधे आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सत्य विधायक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सम्मानी विधायक जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आपने के व्यक्तित्व की कमी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि इस पृथ्वी पर भी इतना सरल और सहज कोई व्यक्ति होगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय राजा राम त्यागी जी, हमारे कार्यक्रम की तरह आदरणीय विद्यासागर अवस्थी जी, इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा जी, सुनील मौर्य जी, भाभी श्रीमती सुधा अवस्थी जी, आदरणीय लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव जी, दोनों कलाकार जो टीमें हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार मित्रों और यहाँ के बहुत ही बुद्धिजीवी सम्मानित मित्रों, ये माँ का प्रभाव है, इसमें भाषण की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि 2 शब्द कुछ कह दीजिए, तो मैं 2 शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जो माँ है, अभी मैडम ने तमाम माताओं के नाम गिनाए, तमाम माताओं का जयकारा लगवाया है, लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माता जिनका हम साल में 2 बार 9 दिन के लगातार उपासना करते हैं, ऐसी माँ के चरणों में अपना सिर झुका करके अभिवादन करता हूँ। और ऐसी माँ है ये दुर्गा जी, जिनका पूरा परिवार पूजा करता है, चाहे शिव जी हो, चाहे कार्तिकेय जी हो, चाहे भगवान गणेश जी हो, और चाहे उनकी पत्नी गौरी जी हो, सिद्धि सिद्धि हो, वे सबकी सब पूजन के लिए एक ही स्थिति भगवान है, जितना पूरा परिवार पूजन किया जाता है। इसलिए माता के चरणों में फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ।
मित्रों, साहू जी ने एक बात कही है, इनको तो नहीं कहना चाहिए था लेकिन कह दिया, मैंने 10 लाख रुपया इनको दे दिया। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र के सब लोग उपकार करेंगे अपना दे दिया है और वो मेरा नहीं है, वो आपका ही है। विधायक मंडी से दिया गया था, वो आपकी जनमानस का पैसा है, राम नरेश रावत का पैसा नहीं है, वो विधायक का पैसा है। मैंने 10 लाख रुपया पहले दे दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि माता दुर्गा जी का 9 दिन का जागरण क्यों होता है। बहुत पहले तो कभी नहीं होता था, एक जमाने में नहीं होता था। बाद में कैसे प्रारंभ हुआ? बाद में इसलिए प्रारंभ हुआ कि माँ का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा होता है और पिता का स्थान आकाश से भी बड़ा होता है, इसलिए माँ का पूजन प्रारंभ किया गया। और मैंने अपने जीवन में आज 26 साल पहले से, आपने देखा पिछले वर्ष भी, इस बार कोरोना की वजह से नहीं किया गया, ये 3 साल से मैं जनक जननी महोत्सव अपने चारों विकास खंडों में हम मनाते आए हैं। जनक जननी महोत्सव इसलिए हम मनाते हैं कि पिता जो होता है इस पृथ्वी पर जीवित देवता है, माता जो है वो जीवित देवी है। जो व्यक्ति अपने माँ और बाप को नहीं मानता है, चाहे जितना जसवंती देवी को माने और चाहे जितना दुर्गा देवी को माने, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अपनी माँ और बाप को, क्योंकि जब जब हम कभी बीमार होते हैं बचपन में, तो बाप हमको अस्पताल ले जाता है, रास्ते में क्या कांटे हैं, कौन सा दिक्कत है, और माँ जब हम पेशाब कर देते हैं, बिस्तर पर छोटे होते हैं, तो माँ अपने को गीले वस्त्र पर लिटा लेती है और बेटे को अपने आंचल में छुपा करके सूखे वस्त्र में लिटाती है। आप कल्पना करिए इस बात की, अगर ये बात हम नहीं कर सकते तो दुनिया में चाहे जहां जाएंगे। एक मुझे गीत याद आता है, कि मैं मंदिर को गया पूजने के लिए, पूजन करते समय मुझे ये याद आया कि मैंने माँ बाप की पूजा की नहीं, तो मंदिर में पूजा करने से क्या फायदा। मैंने माँ बाप की पूजा की नहीं तो मंदिर में पूजन करने से क्या फायदा। आप प्रथम सीढ़ी पर चढ़ेंगे नहीं और नवी सीढ़ी पर पहले पैर रख लेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है। प्रथम सीढ़ी माँ और बाप ही होते हैं। प्रभात साहू जी ने अभी 4 दिन पहले, मैंने जनक जननी महोत्सव बाराबंकी में किया था, वहां गए थे और पिछली बार अपने माँ बाप का पूजन किए थे तो कहे, प्रभात साहू जी ने कहा था कि मैंने माँ बाप का पूजन पिछले वर्ष अपने साथ किया था, पिताजी का पूजन किया था विधायक जी आपकी वजह से, और आज मुझे वो याद आ रहे हैं कि मैंने पिछले वर्ष पूजन किया था। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप आज जीवित हैं और उनका पूजन करना ही चाहिए। और जो अपने माँ बाप को अपने परिवार से अलग कर देता है, मैं सलेथू 2 साल पहले सलेथू गया था, वहाँ RSS का कार्यक्रम था, एक महिला भी जैसे भिखारी की तरह खड़ी रहती थी। मैंने पूछा ये कौन है, तो पता चली कि इसी गांव के BDC सदस्य की माँ है। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, BDC की माँ और भिखारी की तरह भीख मांग रही है। तो मैंने तत्काल कोतवाल को फोन किया, SDM को फोन किया कि इनके बच्चों को तत्काल गिरफ्तार करके थाने में रखो और इनकी सारी संपत्ति जब्त करके सरकारी खजाने में जब्त कर दो। वे दौड़ते हुए आए, मुझसे माफी मांगी। मैंने कहा अपने मामा फूफा बहन भाई को बुलाइए और उनके सामने आरती उतार करके अपने माँ बाप का पूजन करिए, तब हम आपको माफ करेंगे। ये घटना तो देख नहीं सकते,
सब लोग जानते चले तो ये घटना की बहुत सही बहुत सही तो माँ बाप का पूजन कंपल्सरी है और माता दुर्गा माता के नवों रूपों को हमको पूजन करना चाहिए लेकिन साथ ही में अपने घर में रोज हमने हम सोकर जगे तो पृथ्वी माता के चरण छूकर के अभिवादन करें और अपने माता आपके चरण छूकर के उनसे आशीर्वाद दें। और मैं आपसे एक अंतिम बात कहकर के समाप्त करता हूँ अपनी बात, क्योंकि आप कीर्तन सुनने आए हैं कोई भाषण सुनने नहीं आती है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन ये बात मैं कंपल्सरी रूप से कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का पूजन जो नहीं करेगा, चाहे जिस मंदिर में दुनिया में चले जाए उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अपने माँ बाप का हम जब पूजन करते हैं तुम्हें तो माता तुम्हें तमाम घटनाएं तमाम कहानियां हैं। तो इस नाते और इस पृथ्वी पर गणेश जी ने अपने माँ बाप का पूजन किया था, इसीलिए प्रथम पूज्य देवता हुई। एक बार माता पार्वती और गणेश जी की जगह बैठे थे, शिव जी बैठे थे, माता पार्वती बैठी थी, कार्तिकेय जी बड़े भाई हैं गणेश जी के, ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे।